और तेज रफ्तार खबरों के बाद इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता दिलीप घोष का बंगाल पुलिस पर विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कि संदेश खाली के मामले में बीजेपी नेताओं पर जो FIR हो रही है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दिलीप घोष भड़के नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ये विवादित बयान है जो बंगाल पुलिस को लेकर सामने आया है, जिसमें बंगाल पुलिस के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं दिलीप घोष। और संदेश खाली से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, जिसके अंदर इस समय तुनके और भड़के हुए नजर आ रहे हैं दिलीप घोष। टीएमसी नेताओं पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है दिलीप घोष ने। और बीजेपी नेता दिलीप घोष ने क्या कुछ कहा है अपने इस विवादित बयान में, सुनवाते हैं आपको। আজকে পুলিশের নাকের ডগায় দিনের পর দিন মেয়েদেরকে রাত্রেবেলা পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে ফুর্তি করা হতো, পুলিশ কেন করেনি? পুলিশ তাদের চামচাবেলচা করতো, শাহজাহানের জুতো বয়ে নিয়ে যেত, ওই দামেদারি করবে।